आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप कंप्यूटर पे आप अपना प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। 70% आपको जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और 30% है जो आपको रूल समझने होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करके आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप जो है ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करके आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग कोई संस्थान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको 7 दिन जो फ्री मिलता है, ये जो 7 दिन काफ़ी होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप जो है प्रैक्टिस करके वो दुकान वगैरह पर बैठ कर आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप जो है बहुत ही इजी तरीका से प्रैक्टिस घर पर ही ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रैक्टिस करना है ये सब देखने के लिए इस वीडियो को तो भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से है घर पर ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं, उस लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको ये देख रहे हैं कि डाउनलोड टाइपिंग मास्टर, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ये फाइल आपका यहां पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। ये मेरा डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। चलिए मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे कंसेंट अभी ओके करेंगे, इंग्लिश मीडियम हमको चाहिए, और आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज आ जाएगा। यहाँ अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से कंसेंट देंगे जैसे आई एम एग्री। इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, पाथ सही है, ठीक है पाथ सही। आप जहाँ भी सेव करना है वहाँ ब्राउज़र में जाकर आपको ब्राउज़र चूज कर लेना है, हमें सी में ही चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। टाइपिंग मास्टर है, यस हमको यही चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको आपको ओपन करके बताऊँगा किस तरीके से ये ओपन होकर आएगा। अब ये मेरा कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली यहाँ से हम फिनिश करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक आइकन बन के आ गया, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम टाइप करना होगा, आप जो भी नेम है यहाँ पर टाइप कर दीजिए। नाम टाइप करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इंटर मार देना है। जैसे इंटर मारेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन ओपन होकर आ चुका है। सिंपली यहाँ लंच नाउ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली हम इसको ओके कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास लेसन आ जाएंगे और हर लेसन में आपको अलग अलग तरह से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसको यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट लेसन आपको यहाँ है टच टाइपिंग बेसिस करके कुछ टाइप ऐसे है। इसके बाद यहाँ सेकेंड टॉपिक है न्यू के होम रो, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कुछ आपको पास इस तरीके से यह ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ समझाया जा रहा है कि बटन पर अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, वही आपके फिंगर पर भी अलग अलग कलर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो बटन पे है वही आपके फिंगर पे है, तो वही बटन से हम इस जो बटन पे है उसको हम प्रेस करेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग दिखाएगा। तो सिंपली जो कलर आपको फिंगर पे है वही आपको बटन पे, तो वही आपको फिंगर से वो बटन को प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे ए ब्लू है तो हम इधर फिंगर से इसको प्रेस करेंगे। जैसे ये रेड या ये बटन पर यस है रेड, तो हम यहाँ वाला जो है बैक साइड वाली सेकेंड फिंगर है उसको हम इससे प्रेस करेंगे। जैसे मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ उसी तरह से यहाँ से आपको सिंपली टाइपिंग करना है। तो इसी तरीके से यहाँ ग्रीन है और इसी तरीके से आप इस सबको समझ लेंगे। इसके बाद सिंपली हम यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, फिर से स्पेस प्रेस करेंगे और फिर से स्पेस प्रेस करेंगे। इसके बाद सिंपली फिर से स्पेस प्रेस कर देना, तो आपको कुछ इस तरीके से ही आपका ऑप्शन यहाँ पर आएगा। इसको लेसन स्टार्ट हो गया है। अब हम जो ये जो ब्लू वाला फिंगर है उसको हमको ए प्रेस करना, चलिए हम यहाँ पर ए प्रेस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको यस प्रेस कर देना है।
जो मिडिल वाला है, इसके बाद ग्रीन बटन है तो आपको मिडिल वाला से आपको डी प्रेस कर देना है। इसी तरीके से आपको जो यही वाला फिंगर है इससे आपको एफ प्रेस कर देना है। इसी तरीके आप देखिए इस पर आप जे प्रेस कर देना है, इसी तरीके से आपको मिडिल वाला से के प्रेस कर देना है। तो इसी तरीके से आप प्रेस करते जाएंगे और ये आपका जो फिंगर है जो आपको आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉमा वगैरह आगे चुका है, सिंपली हमको इसको इससे प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे प्रेस द स्पेस टू कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद हम थंब से स्पेस प्रेस करेंगे स्पेस, इसके बाद यहाँ फिर से आप लेसन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद एक बार फिर से हम स्पेस पर प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम फर्स्ट टाइम ए प्रेस करेंगे टू टाइम, इसके तरह एस प्रेस करेंगे टू टाइम, डी टू टाइम और थ्री टू टाइम। तो चलिए सिंपली हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये टू टाइम स्पेस करेंगे, यहाँ देखिए मेरा टाइम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे, यस टू टाइम प्रेस करना, फिर स्पेस करेंगे, फिर डी टू टाइम स्पेस करेंगे, फिर एफ टू टाइम स्पेस करेंगे। तो इसी तरह फिर लेसन फिर आई आ गया है। तो आप ये वाला लेसन से आप देख रहे हैं, फिर जे हमको दो टाइम प्रेस करना, तो जे प्रेस करेंगे, स्पेस करेंगे, के स्पेस करेंगे, आई। तो इसी तरीके से आपको स्पेस जैसे आप रॉन्ग डाब दीजिएगा तो आपको ये यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ फिर से सही कर लेते हैं। तो सिंपली आपको स्पेस प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास जो ए है तो आप एक के ए प्रेस करते हैं। बाय द वे आपको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड है, रेड की जगह पर आप कहीं डी प्रेस कर देते हैं, इसे डी प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर आपको रॉन्ग आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए ही प्रेस करना पड़ेगा। चलिए सिंपली हम ए प्रेस करेंगे। इसका सिंपली आप जो आप देख रहे हैं ये वाले ऑप्शन से आपको डी प्रेस कर देना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाला ऑप्शन से हम डी प्रेस कर रहे हैं, इसलिए डी प्रेस कर लिए। अब देख लीजिए ये वाला ऑप्शन जो है कलर, आपको यहाँ से एफ प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद इंटर स्पेस, इसके बाद ये वाला फिंगर आ गया, आपको इससे ए प्रेस करना पड़ेगा। चलिए हम ए प्रेस कर देते हैं। इसके बाद अब ये वाला फिंगर रेड है, आपको सिंपली यस प्रेस करना है, इसे स्पेस मारना है। यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये वाला ऑप्शन आ गया जो ग्रीन है, तो आपको मिडिल वाला जो फिंगर है उससे डी मारना है। इसके बाद जो आप ये वाला कलर है फिंगर है उससे आपको एफ मारना है, ठीक है। इसके बाद मिडिल स्पेस, इस तरीके से आपका एक्सेलेंट ऑप्शन ओपन होता रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपना अब देखिए राइट साइड में आ गया, तो आपको आप जे को आप करना है, जे के को करना है, तो इस वाले ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो आप देखिए जो भी आपका ऑप्शन है ये फिंगर पे उसी आपको आपको मारना है। चलिए हमें जे मार लेते हैं, तो जे के यहाँ स्पेस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया जे के आ गया, इसको तो एल आ गया, तो एल डबल कॉलन जो है तो यहाँ पे सिंपली स्पेस करके स्पेस यहाँ जे के फिर क्या स्पेस फिर एल कॉमा है, तो सिंपली हम यहाँ कॉमा मारेंगे और यहाँ से स्पेस मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे यस ए आ गया, ए यस डी एफ स्पेस यहाँ पे ए यस डी एफ स्पेस, जो भी आपका फिंगर पे है उसी फिंगर से आपको मारना। देखिए ये फिंगर पे आपको जे है तो सिंपली आपको जे मारना है। अब देखिए ये वाला पे ग्रीन चला गया, तो अब ये वाला फिंगर से आपको यहाँ पे के मारना है। अब देखिए ये वाला जो रेड आ गया, आपको रेड वाला पे एल मारना है, सिंपली एल कॉमा आ गया और सिंपली यहाँ से स्पेस मारना है। अब देखिए फिर इस वाले फिंगर पर आ गया आपको क्या जे, तो जे फिर आपके क्या आ गया के, ये वाले फिंगर पे इसी वाले ये वाले फिंगर पे क्या आ गया एल और फिर इस वाले फिंगर पर आपको कॉमा आ गया। इस तरीके से आप इंटर मारते रहेगा, आपका चेंज होता रहे। अब देखिए आप फिर आपको इस साइड में आ गया लेफ्ट हैंड फिंगर पे ए आ गया, तो ए मार दीजिए स्पेस, फिर डी आ गया, डी मार दीजिए स्पेस। यहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है, कितना टाइमिंग है वो अभी आपका टाइमिंग यहाँ पे शो होता रहेगा। यहाँ फिर इस वाले फिंगर पे जे आ गया स्पेस, यहाँ एल आ गया स्पेस। अब इस तरीके से आपका ऑप्शन आता रहेगा, आप इसे से फटाफट मारते रहिए और जितना टाइपिंग आप कीजिएगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे स्कोर बनता रहेगा। तो ए डी जे एल है, तो इस तरीके से आप ए डी जे एल जितना फास्टिंग यहाँ पर काम करिएगा तो उतना फास्टिंग आपका स्कोर यहाँ पे बनता रहेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से फिर से यहाँ पे गलत हो गया, तो चलिए यहाँ पर हम के मार लेते हैं। इसका फिर क्या करना आपको, यस एफ के और देखिए फिर जो स्पेस स्पेस इस तरीके से आपको चेंज होता रहेगा। फिर देखिए आपके ये वाला फिंगर पर आ गया एफ, यहाँ से एफ मार लीजिए। फिर देखिए ये वाला फिंगर पर आ गया आपका जे, तो जे मार दीजिए स्पेस, यहाँ पर देखिए एफ, फिर आ गया ये वाला फिंगर पर, तो फिर इस फिंगर से एफ मारिए। फिर ये वाला फिंगर पर देखिए कौन आ गया ब्लू टाइप का है, तो इसे जे मारिए स्पेस। देखिए मैंने रॉन्ग कर दिया, तो इसे रॉन्ग आ गया, फिर चलिए फिर आपको एफ मार देना है यहाँ से, मैं यहाँ से एफ मार देता हूँ। इस तरीके से फिर आपको डी मार देना है, चलिए डी मार दिया, फिर यहाँ से के, फिर स्पेस,
फिर क्या है डी है, और फिर इस वाले ऑप्शन राइट साइड वाला आ गया के, तो यहाँ से के मार दीजिए आपको बनना है स्पेस। इस तरीके से आप देखिए येस आ गया, ये वाले फिंगर पर यहाँ से कोई येस मारना है, इसके बाद यहाँ इसी वाले फिंगर पर आ गया क्या एल, तो आप एल मारिए स्पेस। फिर देखिए इस वाले फिंगर से आ गया येस, तो येस मारिए फिंगर स्पेस। तो इसी तरीके से आप जितना फास्टिंग फास्टिंग का काम किया जाएगा, ये आ गया कोमा आ गया स्पेस, आप इस वाले पे आ गया ए, और यहाँ पर देखिए छोटे वाले फिंगर से आ गया के मारेंगे यहाँ स्पेस मारेंगे, इस तरीके से आप चल होता है। चलिए फटाफट से यहाँ से आप जो स्कोर है उसको आप करते रहिए, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो भी फिंगर पर है फिंगर पर ध्यान देते रहिए, और इस तरीके से आप स्कोर पर अपना स्कोर टाइमिंग दिया जाता है, टाइमिंग से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से आप अपना स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी टाइमिंग है टाइमिंग के अंदर में जो भी है आपको यहाँ से कर लेना है, तो बहुत ही आसानी से जितना फास्ट आप काम कीजिएगा उतना फास्ट आपका स्कोर भी बनता रहेगा। तो देखिए अब 18 सेकंड बन गया, 18 सेकंड में जो भी है तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ से फटाफट से अपना गलत कर दिया। तो चलिए फिर हम यहाँ से डी डाल देते हैं, इंटर मार देते हैं, फिर डालिए इंटर स्पेस, यहाँ देखिए कॉमा स्पेस, इस तरीके से देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया, आपका टाइमिंग खत्म यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको रियल देखना है तो यहाँ व्यू रियल पर क्लिक करके आप रियल यहाँ देख देखते हैं एक्यूरेसी हम 94% यहाँ परसेंट टाइपिंग की है, और गुड ग्रोथ स्पीड देख रहे हैं 54.7 वर्ड पर मिनट हम के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर टाइमिंग 5 मिनट यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 यहाँ पर गोल 94% यहाँ नेट स्पीड देख रहे हैं 6 में, इस तरीके से आपका पूरा स्कोर यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा गोल 94% जो एक्सीलेंट बहुत शानदार है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार से स्पीडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडर स्टैंडिंग रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे समझाएगा कि रिजल्ट का क्या मतलब होता है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, और इस तरीके से इमेजेस को देख के आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इसका सिंपली यहाँ की ब्रेल पर क्लिक करेंगे, इसका सिंपली एंटर करेंगे, सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप घर पे ही आप जो है प्रैक्टिस करके उससे आप अच्छे खासे अर्निंग भी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।